हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिजाइनर निशात मिर्जा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग, जिसमें हम सीख रहे हैं गार्मेंट कंस्ट्रक्शन। हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग और आज हम बना रहे हैं स्लीव्स, बेसिक स्लीव्स। इसको हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे, हाउ टू ड्राफ्ट बेसिक स्लीव्स। बेसिक स्लीव्स जो होता है वो जितनी भी डिजाइनर स्लीव्स होती हैं, लाइक मेगियर स्लीव या रेगलैंड स्लीव, पफ स्लीव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनी टाइप्स ऑफ स्लीव, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्लीव। ये बेसिक स्लीव इसका पूरा फाउंडेशन स्लीव्स होता है। इसी को अगर हमने परफेक्टली बनाना सीख लिया तो आजकल जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश स्लीव्स चल रही है ना, उनकी कटिंग हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब डिपेंड करता है कि जो हमारा स्लीव्स है उसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट नीड रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले जो हमारा मेजरमेंट रिक्वायर होगा वो होगा हमारा फुल लेंथ। ठीक है, मैंने आपको मेजर लेना बताया था ना, मैंने आपको सिखाया था ना मेजर कैसे लिया जाता है। आपको प्रॉपरली मेजर लेना आना चाहिए। ओके गाइस, आपको आना चाहिए, आप फुल लेंथ आपका रहेगा। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सर्कमफेरेंसेस ऑफ आर्म होल। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सर्कम आर्म होल। सर्कमफेरेंसेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्लीव्स ड्रॉ या फिर स्लीव्स कटिंग के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्लीव पैटर्न के लिए। एक्यूरेटली यू शुड टेक योर आर्म होल मेजरमेंट एक्यूरेटली। ओके, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मजाक हो रहा है, यहां से कर लिया वहां से कर लिया। यू शुड टेक प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ आर्म होल। आर्म होल मुड्ढे का जो बोलते हैं हिंदी में समझ लो अच्छे से, मुड्ढे का नाप बराबर होना चाहिए। ओके, ये आपकी फुल लेंथ होनी चाहिए, फुल लेंथ बेसिक स्लीव कॉल फुल लेंथ होनी चाहिए। ओके, अब क्या है इसमें, जो आपका ये रिस्ट के पास का जो एरिया है ये आपका प्रॉपर होना चाहिए 5 इंचेस। जितना भी आप पहनते हो लूज डिपेंड करता है, ये आपके अकॉर्डिंगली लूजिंग पे आ गया समझ में। मेजर आई थिंक आ जाना चाहिए। इतना खोल खोल के पढ़ा रही हूँ फिर भी क्वेश्चंस होते हैं, मैम इसका डिफरेंसेज क्या है, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा। बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर यही सबके स्केल लगेगा सामने, होंगे ना स्केल पड़ेगा, सोच लो। ओके, चलिए तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करना है, स्लीव्स की लेंथ हमें चाहिए मेजरमेंट, कितना स्लीव्स है 12 इंचेस लेकर के आपकी जो ये देखिए, दिस इज 1/4, ये होती है 14 या 16 इंच की होती है। दिस इज फोर, कान खोल के सुन लीजिए, लिख लीजिए कहीं, ये 14 14 इंच या 16 इंच की है या अदरवाइज 17, ओके 17 इंच तक ये 1/4 हमारा रहता है। और ये हमारा 25 इंचेस तक जाता है फुल लेंथ अकॉर्डिंग टू हैंड लेंथ। ठीक है, और ये हमारा 10 इंचेस का जो रिस्ट का एरिया है ना, ये 10 इंचेस, एंड आर्म होल ज्यादा से 10 इंच या 8 इंच या 9 इतना रहेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसा ना सीधा सीधा था, जैसे बॉडी ब्लॉग कुछ बच्चों ने मुझे काट के भेज दिया, मैम कैसा बना है। अब बार बार बताइए, ऑनलाइन है, बार बार मैं आपको रिप्लाई कैसे करूं। ध्यान से समझिए, सीखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं स्लीव की ड्राफ्टिंग। ओके गाइस, सबसे पहले देखिए सेंटर में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। जब हम स्लीव्स को ड्रॉ करेंगे, 14 इंच का मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दिया है, फुल स्लीव्स का हम बना रहे हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ की है, देख लो सब लोग आंख खोल के अच्छे से। ठीक है, अब हमें सबसे पहले जो हमारा सर्कमफेरेंसेस था, कहाँ का सर्कमफेरेंस है, जो हमारा राउंड है आर्म होल राउंड है, उसको हमें मेजर करना है। जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा, अभी छोटा वाला ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने 8 इंच का पूरा है या फिर आप 10 इंच का कुछ लोग का है, तो ये वाला हम सेंटीमीटर में इसे शो करेंगे। ठीक है गाइस, ध्यान से सीखिए, ये रहा हमारा, ये हमारा आर्म होल का लाइन गई है। अब हमारा जो नीचे 3 इंचेस, जैसे कलाई के अकॉर्डिंग 6 इंचेस या फिर 7-8, मैंने यहाँ 6 इंचेस लिया है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये हमारी जो है स्लीव्स की ये पूरी लेंथ जाएगी। गौर से देख लीजिए, अच्छे से आपको भी ड्रॉ करना है।
ठीक है, ये देखिए यहाँ आ गई पूरी लेंथ। ये हमारी पूरी लेंथ आ जाएगी और अब करना क्या है देखिए, इसको हम पूरा पहले तो क्या करेंगे, ये जो हमारे 8 है तो यहाँ भी हम आपको समझा रहे हैं, पूरा पूरा ऐसे रखेंगे कि पूरा समझ में आए आप लोगों को। सीरियस गाइस, आपको इजीली समझ में आएगा ये पूरी, जैसे स्लीव्स को आप अच्छे से बना सकें, ड्रॉ कर सकें, नहीं तो फिर आप यही कंफ्यूज होंगे। हमने पूरा इस तरीके से, ये हम अगर फैब्रिक ले रहे हैं तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम 4 इंच हम डाउन जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 इंच हम डाउन गए, अभी ये वाला सीरीज, ठीक यहां से गए। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर यहां से डाउन करेंगे, यहां से देखिए बीच सेंटर से हम 1 सेंटीमीटर डाउन ही हो, ठीक है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से ये। अब यहां से देखिए, ठीक है गाइस, अब हमें करना क्या है, यहां से हम डाउन आए, अब यहां से देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां से 1 सेंटीमीटर यहां से हम इसको मार्जिन और 1 सेंटीमीटर ही, ठीक है गाइस। अब करना क्या है, यहां से इसको ये वाला पॉइंट आपस में यहां से मिला देना है, ठीक है गाइस। ये देखिए ड्राफ्टिंग इस तरीके से होती है। अब ये वाला देखिए, ये इसको यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट हमें मिड में देना है, इसको इसको भी हाफ कर लीजिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 है तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए 1.5 यहाँ पर हम मिड हो गया पूरा, और इधर भी हमने सेम डिवीजन, इसको आधा आधा हमने बांट लिया, डिवाइड यहाँ हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है गाइस। ये हमारा इस तरीके से, अब इसको यहाँ से इसको मिला देंगे लाइन को आपस में, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब करना क्या है देखिए, ये वाला आपको एक स्लोप बनाना है यहाँ से लेते हुए, ये देखिए पूरा यहाँ से कर देते हुए जाना है आपको, यहाँ से मैं इसके लिए ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये मैं छोटे वाले जो मेरे कर्व थे उनका यूज़ होता है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े से ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से अब हमारा ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से, और यहाँ से इसको उल्टा रख करके, तो हमारा ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट परफेक्टली आ जाएगा। अब सेम हमें ये मार्जिन जो स्लीव्स का है इधर हमें करना है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है ना, इधर आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट हमें मिला देना है, ये वाला, ये इस पॉइंट से इनको हम नाम दे देंगे, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, और फिर आप इसको इधर से यहाँ से आप इसको ये देखिए, ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें यहाँ से मिला देना है इसको। अभी हमारी स्लीव्स जो है बिल्कुल ये देखिए पूरा यहाँ से तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो लाइन थी हमें यहाँ से ये हमारा जो हमारा रिस्ट का सरकमफेरेंस रहेगा, रिस्ट राउंड पे जो हमारा रहेगा, हमें वहाँ से इसको कर देना है। अब हमारा ये स्लीव्स तैयार है, एक्स्ट्रा लाइंस हम इसमें से
इसको इरेज कर देंगे। ए सी बी, यहाँ से लेके ये सेंटर सी होगा एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, सबको अपने अकॉर्डिंगली हम इसमें, और ये जो पॉइंट हमारा मिला है, ठीक है गाइज, ये वाला जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये वाला डी वन हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो हमें यहाँ मिल रहा है ये हमारा बी टू हो जाएगा, और ये वाला जो हमने इसको यहाँ से किया है, इसकी लेंथ यहाँ मिलाई है, ये बी वन हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एम वन। कुछ भी हम इसे नाम दे देंगे, नाम देना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारा एफ वन हो जाएगा, कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, जो पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं उनको नाम देना एन जरूरी होता है, या तो आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट्स देना, अब ये सी है तो यहाँ पे ये पॉइंट मिला, ये सी हो गया। अब इसमें हमारा बाइसेप्स का और रहेगा मेजरमेंट, बाइसेप्स का हमारा कहाँ आएगा देखिए, बाइसेप्स जो डाउन होगा यहां से हम 3 इंचेस, यहां से हम 3.5 इंचेस डाउन लेंगे, ये हमारे बाइसेप्स का मेजरमेंट हमें यहाँ मिल जाएगा ये पॉइंट से, ठीक है गाइस। अब ये हमारी पूरी की पूरी जो है ड्राफ्टिंग तैयार है। अब इसको ही, इसको हम इस पेपर पे कट करेंगे, सेम मेजरमेंट यहाँ करके मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसको कट कर दूंगी। ओके गाइस, ये देखिए मैंने सेम साइज का हाफ इस पे यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरा सेम साइज का, ये देखिए इसको ड्रॉ किया है मैंने, सेम मेजरमेंट नहीं लिखा है, मेजर यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं इसको कट कर दे रही हूँ, ठीक है गाइस। ये देखिए इजीली समझ में आ जाएगा, स्लीव्स हमारी जो है आपको ये बनानी आ गई होगी, ये बेसिक स्लीव्स हैं। अब इसमें, ठीक है, ये देखिए, अब चाहे तो आप इसको इधर लगा दीजिए, चाहे तो आप इसको हाफ करके यहाँ लगा दीजिए, ये आपका स्लीव्स का मेजरमेंट यहाँ आ जाएगा। लगाएंगे कैसे, लगाना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से लगाइए कि ये ओपन भी हो जाए जब आप देखें, कुछ ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही ऐसे करके लगा दीजिएगा, यूं करके ऐसे लगा दीजिए, चिप इसको ग्लू से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ग्लू से पेस्ट करते हैं इसको आपके सामने ही। अब देखिए इसमें यहाँ एक साइड में बस आपको ये ग्लू लगा देना है, और ये आपके जो है स्लीव्स, यहाँ पर स्लीव्स हो गई रेडी, जब खोलना है तो ऐसे देख लीजिए, वैसे ही ऐसे बंद रहेगी, ठीक है गाइस। ये आपका स्लीव्स का जो है बेसिक स्लीव्स, इस पर लिख दीजिए स्लीव, बेसिक स्लीव्स हो गई आपकी, ये आपका पैटर्न हो गया स्मॉल पैटर्न, और कल इसी को हम बड़े पेपर पे काटेंगे तो वो हमारा मेन पैटर्न हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आप कल अपने हैंड का और आर्म होल का मेजर आप अपने तैयार रखिएगा, अपने हैंड के अकॉर्डिंग आपको पेपर की कटिंग करनी है। ओके गाइस, तो आज आपने कितने इजी वे में, कितने अच्छे से बेसिक स्लीव्स फाउंडेशन को बनाना, ड्राफ्ट करना सीख लिया है, स्पेसिमेन ड्राफ्ट बनाया है। कल इसी को हम ये वाला बड़ा पेपर यूज करके जो है हम अपना फुल स्लीव्स को बनाएंगे। ये वाली स्लीव्स कट करनी आ गई, ड्राफ्ट करनी आ जाएंगी, तो जो स्टाइलिश वाली जो आपकी स्लीव्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको डिज़ाइन करनी आ जाएंगी। और आप जानते हैं आजकल डिज़ाइनर स्लीव्स का कितना क्रेज़ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है स्लीव्स चल रही हैं, उनको हाउ टू कट, हाउ टू ड्राफ्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बेसिक हैं। जब हम अगस्त में अपना नया कोर्स स्टार्ट करेंगे, दैट वॉल ये वाला इट विल बी एडवांस कोर्स, तो जो बच्चे बेसिक हमारा क्लियर करेंगे, वो बच्चे जब एडवांस कोर्स में आएंगे, उनको सीखेंगे, उसमें जो स्लीव्स की कटिंग्स होंगी, उनकी जो बॉडीज ब्लॉक डिफरेंट टाइप का होगा, प्रिंसेस कट होगा, डार्ट विदाउट डार्ट एंड फॉर ए डार्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉडीज ब्लॉक एंड कॉलर्स होंगे, मेनी मेनी टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग, बहुत एडवांस होगा। तो जब ये चीज़ें बेसिक्स आपके माइंड में यहाँ आराम से आ जाएंगी, तो एडवांस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। आप अगर मुझसे भी ना पढ़ के कहीं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको पता चलेगा मेजरमेंट अचानक से कोई नया सब्जेक्ट आपको माइंड में अगर आया तो आपको पढ़ाया किसी ने तो आपको झट से आपको मेरा ये वाला ब्लॉग जो निशात मिर्ज़ा मैम ने सिखाया था यहाँ स्ट्राइक करेगा, यस मैम ने मुझे पहले बता दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिक फाउंडेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन में तो आप लोग परफेक्ट हो गए हैं, माय गॉड अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन बना के मुझे दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम शॉक्ड। मैं सोच रही हूँ सच में आपको प्रमोट करूँ अपने प्लेटफॉर्म से, तो मैं उन बच्चों को ज़रूर प्रमोट करूँगी जो सच में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उन्हें प्रमोशन की कम जो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपने लेवल से जो मेरा वर्क है जो हाउ टू प्रमोट स्टूडेंट, हाउ टू प्रमोट मॉडल्स, तो मैं अपने लेवल से उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही चाहूँगी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अगर एज अ इलस्ट्रेटर अपने आप को इस्टेब्लिश करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें तो एक अच्छे इलस्ट्रेटर किसी एक्सपोर्ट हाउस में आप जा सकते हो। ओके गाइज, तो टचवुड नज़र ना लगे, ऐसे ही आगे बढ़िए, तरक्की करिए, कीप इट अप, आई एम सो हैप्पी विद यू। आप सच में मुझे 100% अपना दे रहे हैं, बड़ा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह से कि आपको खूब तरक्की दे, और मैं खुश हूँ कि बच्चे जो मैं काम करा रही हूँ मेरे साथ साथ विद द सिलेबस जो चल रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कटिंग्स भी भेजनी शुरू कर दी हैं और बहुत अच्छा है। अभी मैं इंस्टा पे लाइव आ रही हूँ और आपके जितने भी कल जब अब तक के जो इलस्ट्रेशन मेरे पास आए हैं मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग 1:30 सब लोग तैयार रहिए, आइए इंस्टा पे, मैं आपका जो वर्क है उसको एवेल्यूट कर रही हूँ, देखिए। और जो बच्चे सच में अब जुड़े हैं जिनकी फर्स्ट क्लास आज ही से है, रोज़ मेरे पास ऐसे 8-10 बच्चे, 8-10 स्टूडेंट्स का रोज़ मैसेज आता है, मैम हमने आज ही देखा वीडियो और हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यो वेलकम बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड ओवरलोड हो गया था, जो हमारी हार्ड डिस्क है वो ओवरलोड हो गई थी, उसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हमें पोर्टल बंद करना पड़ा। जब हम जैसे ही उसका वर्क इजी होगा और पोर्टल ओपन होगा, आप लोग अपना अपना वर्क सबमिट कर दीजिएगा और मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। सो डोंट वरी, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और अपना वर्क कंप्लीट करें, बट मेहनत से पढ़िएगा। अब मैं डांट भी लगाने लगी हूँ आपको, आज तो मैंने स्केल भी दिखाया था आप लोगों को। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको वर्क तैयार करना है, दिस इज टुडेज असाइनमेंट, बट मैं लूंगी नहीं, आपको असाइनमेंट अपने ब्लॉग पोस्ट पे डाल रही हूँ, वहाँ से डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए और बिंदास रहिए। चलिए मिलते हैं इंस्टा पे। Problems seem like double. His stupid eyes put me on ice. So no, no, don't slow me down. Don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.